हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं इकबाल चाकी। तो दोस्तों, आज मैं जाने वाला हूं एक नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने के लिए टोड़िया। तो पूरा व्यू मैं आपको दिखाऊंगा वहां पर। तो आज कितने दिनों के बाद आज मैच खेलने जा रहा हूं मैं, और मेरे साथ पूरा टीम रहेगा। तो चलो चलता हूँ टोड़िया के लिए, निकलता हूँ अभी घर से। तो कुछ मनोरंजन कराता हूँ मैं आपको डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का। तो चलो निकलते हैं घर से। दोस्तों, फाइनली हम देसाई भाई के पास पेट्रोल भरवाने के लिए आए हैं। आज ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तो चलो चलते हैं टोड़िया के लिए। चलो देसाई भाई, पेट्रोल भर दिया ना? हाँ, पेट्रोल भर दिया। हाँ, भर दिया था। चलो निकलते हैं टोड़िया के लिए। तो फाइनली मैं टोड़िया की सरजमी पर एक क्रिकेट ग्राउंड पर आ चुका हूँ। तो यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है, बहुत सारी पब्लिक यहाँ मैच का लुक उठाती हुई। तो आप देख सकते हो पीछे, तो थोड़ा बैक लाइट का भी प्रॉब्लम रहता है। तो चलो दोस्तों, आपको स्टेडियम का थोड़ा व्यू दिखाता हूँ और कमेंट्री बॉक्स का भी व्यू दिखाता हूँ। तो चलो, भरा हुआ टोड़िया का क्रिकेट ग्राउंड आप देख सकते हो। ये रहा पूरा कमेंट्री बॉक्स, आप देख सकते हो। इस बार जब उठाकर खेलने की कोशिश की, यहाँ पर बैट बॉल बॉल का विश्वनाथ भाई स्कोरिंग की सेवा देते हुए, ये हमारे सर कमेंट्री करते हुए पूरा सहयोग देते हुए। इस बार जब उठाकर खेलने की कोशिश की, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, नतीजा एक और नॉट गेम। मुकेश वर्मा, बहुत खचा खचा भरी हुई पब्लिक, पूरा गेंद करेंगे। इस बार दबा काफी अच्छी गेंद की थी यहाँ पर बल्लेबाजू। आप देख सकते हो ग्राउंड पे। दोस्तों, मेरी टीम से आपको मिलाता हूँ मैं। तो आप देख सकते हो सब आ चुके हैं यहाँ पर। तो चलो व्यू दिखाता हूँ पूरी टीम का मैं। मजिद भाई, मुश्ताक भाई, नाजिर भाई, हमारे ये बापाड़े लाल उर्फ बापाड़ा भाई, ये पूरा टीम, ये हमारे प्रमुख साहब, टीम के गब्बर खुद मुश्ताक भाई, सब आ चुके हैं। आप देख सकते हो, जो भी हो तो आप अपने पैसों से ले सकते हो गादर भाई के पास। उसमें व्यू दिखाता हूँ और ऑडियंस भी दिखाता हूँ। तो चलो पूरा ग्राउंड का मजा लेते हैं। आए आप देख सकते हो, यहाँ पर बहुत ठंडी है, इसकी वजह से सबके डोगे फेस नीचे रखे सबने, क्योंकि ठंडी बहुत ज्यादा है यहाँ पर। भाई इको में बैठे हैं क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है यहाँ पर, नाश्ता करते हुए। और ये हमारे रवजी भाई भी है उसके साथ। रवजी भाई हमारे टॉपिक बेटे, नहीं मिलेगा से सब जर्सी घर से लेके आए हैं, क्योंकि जर्सी तो लेना ही पड़ता है, ठंड बहुत ज्यादा है यहाँ पर। लुक उठाती हुई आप देख सकते हो। चार कदम आगे बढ़ता हुआ मोरन को ढूंढ रहा था। आप सब देख सकते हो, ये मेरे गांव के सब लोग आ गए मैच का लुक उठाने हुए। तो चलो आपको सबके मिलवाता हूँ आपसे। भाई ये हमारे एबी, आरिफ भाई, ये हमारे नाना, ये हमारे मोहम्मद भाई जो कच्छ क्रिकेट में गूंजता हुआ नाम है। अभी अभी क्रिकेट टूर्नामेंट में हमारे जो कुंभार समाज में मैन ऑफ द सीरीज हुए थे। ये हमारे सिकंदर भाई, इरफान भाई, तो पूरा मैच का लुक उठाने हुए होते हुए। और हमारे एक और दो रह गए, ये मेरे सब्सक्राइबर भी है, अयान। अयान भाई कैसी है तबीयत पानी? तो चलो औरों से आपको मिलवाता हूँ, ये हमारे पूरे नेत्रा के। तो चलो औरों से भी मिलाता हूँ आपको पूरे ग्राउंड में। हमारी टीम के खिलाड़ी है यहाँ अनवर भाई, और भी सब है यहाँ पर मैच का लुक उठाने आए, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये सब मैच का लुक उठाने आए है टोड़िया की सरजमी पे। ये सब देसल पर बुतली से आए, ये भाई बता रहे हैं हमको। सर आपका नाम? दिलीप भाई हमको बता रहे हैं सब देसल पर से आए हैं। तो देख सकते हो आप सबको। नतीजा
तो लंग नहीं ना इस मरतबा उठा कर खेलने की कोशिश थी लेकिन क्या हमारे सुल्तान भाई कोई रन नहीं मिलेगा यहाँ पर हितेश को। ठंड है सलीम साठी ग्राउंड पे आए आप देख सकते हो ये सलीम और ये दूसरे सलीम कच्छ क्रिकेट में घूमता है एक नाम है हमारे गांव में सलीम साठी का वो भी हमारी मैच का लुक उठाने आए सलीम साठी के लड़के आप देख सकते हो क्या हुआ है तो सब दोस्त लोग पानी और चाय वगैरह पीते हुए दोस्तों हम पे गुजारिश की है कि टॉस के लिए हम जाएंगे सलीम और हमारे वाइस कैप्टन तो चलो जा रहे हैं टॉस के लिए। तो फाइनली दोस्तों हम टॉस के लिए आ चुके हैं तो आप देख सकते हो तो चलो टॉस उछलता है उसके बाद क्या नतीजा होता है वो दिखाएंगे आपको। तो विधि होगी दोनों कैप्टन आ गए कैप्टन एक अंदर से बात करते हुए टॉस के लिए तो चलो टॉस उछलता है तो हम देख सकते हैं टॉस उछल चुका है तो चलो सामना करेंगे बैट्समैन तो इस बार तो काफी अच्छी गेंद थी उसको समझ नहीं पाए नतीजा डॉट गेंद। तो अभी टॉस वेटिंग में रखा है हमारे कैप्टन ने तो चलो अभी आपको बताएंगे क्या क्या लेते हैं बैटिंग लेते हैं या पिचिंग लेते हैं। नेत्रा ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है तो दोस्तों हमने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है चलो अब देखते हैं क्या होता है क्योंकि क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है कभी कुछ भी हो सकता है हम कह नहीं सकते तो पहले हम बैटिंग के लिए जाएंगे जो भी डिसीजन रहेगा तो अभी आपको साथ में शेयर करूंगा मैं। तो दोस्तों आपकी जानकारी से बता दो क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है कभी भी कुछ भी हो सकता है जो भी अच्छा खेलेगा वो जो जीतेगा वो मैच तो वो आने वाला वक्त ही बताएगा तो अभी हम बैटिंग के लिए जाएंगे तो चलो दोस्तों मैच स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली मेरी सब पूरी टीम आ चुकी है तो आप देख सकते हो पूरा टीम तो मेरे यूट्यूब की पब्लिक को हेलो कीजिए दोस्तों मेरे यूट्यूब फैमिली मेंबर सब तो पूरी टीम आ चुकी है तो बस अभी 5 या 10 मिनट में मैच स्टार्ट होगा हम जाएंगे खेलने के लिए टीम 68 रन। अशरफ भाई ठंडी का मैं बोल दिया है कि आज ठंडी बहुत है आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला है हमारा तो ये पूरा टीम दोस्तों अब आपको जानकारी से बता दो कि एक गेम में 6 रनों की जरूरत है तो आप इस मैच का लुक उठा सकते हो धड़कने तेज हो गई है सबकी ग्राउंड पे तो चलो अब क्या होता है हम देखते हैं एक बॉल में 6 रन की जरूरत है तो आप देख सकते हो थोड़ा कसम कसम मुकाबला जारी है ग्राउंड पे तो देखते हैं क्या होता है एक गेंद में 6 रन चाहिए जरूरत है जीतने के लिए देसल पर और रवारा पर के बीच ये मुकाबला खेला जा रहा है और देसल आपकी जानकारी से बता दो कि देसल पर को एक बॉल में 6 रनों की जरूरत है तो चलो क्या होता है देखते हैं ये किसके पल्ले में जाता है ये गेंद काफी हेलीकॉप्टर शॉट होगा इसको 6 रनों से जीत लिया है दोस्तों जिनके सपनों में जान हमारे दोनों ओपनर रेडी है रजाक भाई और सलीम भाई भाई ये तो साहिल भाई हमारे यूट्यूब फैमिली को आप हाय कर दीजिए एक मर्द से गेंद करेंगे आप दूसरा यानी सोए वक्त नतीजा गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए आजाद 11 गाजिया के लिए लगभग दूसरा ओवर जो के अब्दुल सत्तार पिंजारा लेके आए थे वो काफी खराब साबित होता हुआ नजर आ रहा है शानदार शॉट तो ये तैयारी हो रही है बस स्टार्ट होगी दूसरी इनिंग 114 रनों का लक्ष्य है कादिया को इस टूर्नामेंट में बने रहना है तो चलो दोस्तों अभी स्टार्ट होगी मैच
114 रनों का लक्ष्य दिया है हमने कादिया को, तो इस टूर्नामेंट में बने रहना है कादिया। तो चलो अभी इस दूसरी इनिंग आपको मैं दिखाता हूँ, तो चलो दोस्तों। असलम पिंजारा, अनवर पिंजारा, सदाम पिंजारा, गेंदबाज एक मरतबा फिर आदम पिंजारा के लिए गेंद करेंगे। इस मरतबा गेंद को बल्ले का बाहरी किनारा लिया और यहाँ पर आदम पिंजारा काफी नाखुश हो गए अपने आप से। दूसरी गेंद पर आउट होकर वापस पवेलियन। धन्यवाद मुश्ताक पिंजारा। तो नेत्रा को मिलने वाली पहली सफलता इब्राहिम ने दिलाई है, पहली सफलता पांच शानदार गेंदबाजी यहां पर करते हुए। अभी मुश्ताक सामना करेंगे इब्राहिम का, बहुत शानदार गेंद इस मरतबा हवा में फायर किया है, नतीजा छह। मुश्ताक पिंजारा आते ही स्वागत किया, काफी शानदार शॉट मुश्ताक पिंजारा का बल्ला, बहुत ही बढ़िया रनिंग विकेटों के बीच दो रन दौड़ के पूरे किए। इस दो रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन। मुश्ताक पिंजारा काफी अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं आजाद 11 कादिया के, काफी सोच बूझ के साथ क्रिकेट खेलते हुए यहाँ पर गेंदबाज एक बार अभी से गेंद करेंगे मुश्ताक को, बहुत शानदार गेंद थी, नतीजा दिशा से बढ़ के गेंद वाइट। गेंदबाज वापस गेंद करेंगे मुश्ताक को, ओहो काफी शानदार गेंद थी, नतीजा गेंद डॉट बॉल। यहाँ पे ठंडी बहुत है, ये आखिरी गेंद होगी, अगर वाइट या नो बॉल ना हो तो। आपकी जानकारी से बता दो कि हमने 19 रनों से मैच जीत चुके हैं, तो नजम नेत्रा ने 19 रनों से मैच जीत चुका है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन माय टीम। सब खिलाड़ी जीत का जश्न मनाते हुए आप देख सकते हो। धन्यवाद अब्दुल। फाइनली आप देख सकते हो टीम का जश्न, ये हमारे सलीम भाई। तो चलो ये वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, पूरा ग्राउंड खाली। हुई हमारी यहाँ पर आप देख सकते हो, खुशी का ठिकाना नहीं टीम का, क्योंकि कितने दिनों के बाद हमने मैच जीता है, अभी फटाकड़े भी फूटते हुए हमारे लिए। तो चलो गाइस बाय कीजिए हमारे YouTube मेंबर को, हमारी फैमिली को। साहिल भाई कुछ बताएंगे, साहिल भाई बोलिए। माइंड फोटो आईसी इकबाल भाई बहुत मेहनत करके YouTube पे वीडियो डाल रहे हैं, इनको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इनके चैनल को इकबाल आईसी। धन्यवाद साहिल भाई, करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मेरे चैनल पे नए हो तो यार भाई को सपोर्ट कीजिए, भाई को सब्सक्राइब कीजिए, नए हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।